आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर थे। पीएम ने आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज 15,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। हम आपको ये बताएंगे कि आज जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया तो उन्होंने देश के लिए कौन सी बड़ी बातें बोली हैं और इनमें क्या क्या बातें राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सभी देशवासियों से प्रार्थना की कि वे जानते हैं हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वो अयोध्या आए, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम होने के बाद ही वे अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आए, पर 22 जनवरी को ना आए। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी लोग एक नया संकल्प लें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। इसके साथ ही सभी 140 करोड़ देशवासियों से इस ऐतिहासिक पल पर अपने घरों में राम ज्योति जलाने का भी अनुरोध किया। साथ ही इस दिन दीपावली मनाने की भी बात कही। आगे पीएम मोदी ने देश के सभी धर्मस्थलों के लोगों से भी अपील की है कि हमें 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाना है। हमें इस दौरान सभी मंदिरों सभी तीर्थ स्थलों की सफाई करनी है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में देश की जनता का विकास और धार्मिक स्थलों का विकास दोनों पर चर्चा की। साथ ही ये भी बताया कि 30 दिसंबर की तारीख क्यों इतनी खास है। वो कहते हैं कि आज के दिन अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। आजादी के इस आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से करीब 4,000 संतों को बुलाया गया है, जिनमें से अकेले मध्य प्रदेश से 200 से ज्यादा संत भगवानों को आमंत्रण सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए ट्रेन भी चलाई जा रही है। 5 फरवरी को ये ट्रेन रवाना होने वाली है और 6 फरवरी शाम 5:10 पर अयोध्या पहुंच जाएगी। इसके अलावा इस ट्रेन की अयोध्या से भोपाल वापसी 8 फरवरी को रात 10:30 होगी। ये ट्रेन 9 फरवरी को सुबह 3:20 पर भोपाल पहुंच जाएगी। इसमें करीब 1584 श्रद्धालु सफर कर सकते हैं। इसके अलावा इंदौर लोकसभा से भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने एयरलाइंस कंपनियों से इंदौर से अयोध्या तक डीजी यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने जल्द से जल्द कंपनियों से इस बारे में योजना बनाने को आग्रह किया है। तो माना जा रहा है कि जल्द ही अब ट्रेनों के बाद में फ्लाइट्स का भी सफर मध्य प्रदेश से अयोध्या तक चलने वाला है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।